ही सामर्थ्यशाली संदेश है। I don't know how many have gone online and heard this message. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ऑनलाइन आकर आपने ये संदेश सुना। And it's so powerful that we neglect this area. ये भाग इतना सामर्थ्यशाली है फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं। Most powerful. बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है। Because death and life are in the power of your tongue. क्योंकि जीवन और मृत्यु की शक्ति हमारे जबान में है। You have never taken care of this area. हमने इस भाग में कभी सावधानी नहीं परखी है। We never knew that there is power. हमें कभी पता ही नहीं था कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। In our words. हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। You don't know that you carry power. आपको ये नहीं पता कि आप सामर्थ्य लेकर चलते हैं। We are praying, fasting, seeking God for power. हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे। You have power in your own self. आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है। But you neglected it. पर आपने उसे नजरअंदाज किया। You didn't have knowledge. आपको उसको लेकर ज्ञान नहीं है। So you didn't have faith. इसके लिए आपके मन में वो विश्वास नहीं है। To use it. ताकि आप उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकें। Amen. Amen. You're looking outside yourself. आप खुद से बाहर देख रहे हैं सामर्थ्य की तलाश में हैं। In you. पर परमेश्वर आपके अंदर है। The greater one is in you. वो महान परमेश्वर आपके अंदर है। Amen. Amen. The life of God is in you. परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। The nature of God is in you. परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। Because we are made in the image of God. क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Like God. परमेश्वर की तरह and his likeness means in his authority. और परमेश्वर की समानता में मतलब परमेश्वर के अधिकार That's में why God calls you people of authority. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हम अधिकार रखने वाले लोग हैं as he is, so are we. जैसे परमेश्वर है वैसे ही हम Not हैं as he was, as he is. जैसे वो था ऐसा नहीं पर जैसा वो अब है वैसे ही हम he हैं is the creator God. वो निर्माणकर्ता करने वाला परमेश्वर Amen. है Amen. And so we have creative power. इसलिए हमारे पास भी वो निर्माणकारी शक्ति है। Your words can create. आपके शब्द निर्माण कर सकते हैं। You know, let me tell you one mystery. मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। When you leave this earth, जब आप इस धरती को छोड़कर जाएंगे, you'll have the creative power. फिर भी आपके पास वो रचना करने वाली शक्ति होगी। Amen. Amen. Because you are like our father. क्योंकि आप हमारे पिता की तरह हैं। Who is our father? हमारा पिता कौन है? Creator. निर्माण करता Amen. Amen. You know, it pleases God when you say that. जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं Amen. Amen. Many don't declare. बहुत से लोग ऐसे ऐलान नहीं करते you know, you must know why God gave you the mouth. आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको ये मुंह क्यों दिया है We use it for only lesser purpose. हम कम मकसद के लिए इस मुंह का इस्तेमाल But करते not हैं the greater purpose. पर जो बड़ा मकसद है उसके लिए हम इस मुंह का इस्तेमाल Instead नहीं of crying करते and pleading and begging, use your word in authority and faith and you'll see things happening and you'll move many things which you don't want to keep it इसके बजाय कि हम रोए भीख मांगे गिड़गिड़ाएं आप अधिकार वाले शब्द इस्तेमाल कीजिए और जो चीजें नहीं चाहिए अधिकार वाले शब्दों से उन्हें बाहर निकालिए you can change your situations आप अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं you can change your circumstances आप अपने हालातों को बदल सकते हैं this is the right side this is the good side this power side और ये अच्छा भाग है और ये सामर्थ्यशाली मकसद है जिसके लिए प्रभु ने हमें the negative side पर एक नकारात्मक भाग भी है destructive side जो विनाशकारी भाग है amen you can even destroy your life आप अपने जीवन को भी बर्बाद कर other people's lives और दूसरों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं spoken this message yesterday aur kyunki ye sandesh maine kal de rakha hai I will speak to you next time main agli baar ye bataunga okay but you can go on the facebook and hear that message aap facebook par jakar ye sandesh sun sakte hain that's very powerful bahut hi samarshali hai because this is the area we neglected kyunki is bhag ko humne zyada nazarandaz kiya hai which is the most powerful jo bahut hi zyada samarshali hai what you cannot go and do there जो आप वहाँ जाकर नहीं कर सकते हैं, डू इट फ्रॉम हियर यहीं बैठे बैठे आप शब्दों से कर सकते हैं Amen. Amen. Instead of struggling and striving, इसके बजाय कि संघर्ष करने से मेहनत करने के यूज योर वर्ड्स आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए Amen. Amen. If words are so powerful, यदि शब्द इतने सामर्थ्यशाली हैं, that you can give life to yourself and others, कि आप खुद को और दूसरों को जीवन दे सकते हैं, you can move many things out of your way, तो आप अपने जीवन से बहुत सारी बातों को हटा सकते हैं. Amen. Amen. Instead of asking someone to do it, you have power to do it. इसके बजाय कि आप किसी और से कहें करने के लिए, आप खुद कर सकते हैं. Amen. Amen. See, you just don't hear the word, you must go and practice it. आपको केवल वचन सुनना नहीं है, पर सुनकर उसका सराव भी करना है. You know, someone could say. I'm hearing the message. I know this. I know that. और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैं तो संदेश सुन रहा हूँ मुझे ये पता है मुझे वो Or पता I'm not है growing. या मैं बढ़ नहीं रहा हूँ First of all, no. Peter says, though you know, I'm speaking it again and again. सबसे पहले जान लीजिए पत्रस कहता है कि भले ही तुम्हें ये पता है फिर भी मैं बार बार तुम्हें बताऊंगा
So there is no problem in hearing again and again. इसलिए बार बार सुनने में कोई गलत बात नहीं है. It's not how much. ये इतना नहीं है कि आप कितना सुनते हैं. No. What you hear, are you practicing it? पर जो आप सुन रहे हैं क्या आप उसका सराव कर रहे हैं? Never blame your pastor. Never blame the word. कभी पास्टर पर दोष मत लगाइए, कभी वचन पर दोष मत लगाइए. You need to blame yourself. आप खुद पर दोष लगाइए. Why? क्यों? The word has all the power. क्योंकि परमेश्वर के वचन में पूरा सामर्थ्य है. One word, I told you yesterday, day before yesterday, one word or one revelation can change your life. और मैंने शुक्रवार को ही कहा कि एक प्रभु के वचन के प्रकाश आपके जीवन को बदल सकता है. It's not information. जानकारी नहीं. No, we're not giving you information. हम वचन की जानकारी आपको दे रहे हैं. Yes, there are some who give information. पर हाँ, कुछ लोग हैं जो जानकारी देते हैं. From the Bible. बाइबल से. But we are giving you revelation. पर हम आपको वचन का प्रकाश दे रहे हैं. Information is from your mind, natural mind. आपके मन को दी जाती है. Revelation is from God's spirit. पर प्रकाश परमेश्वर की आत्मा से जाता है. Based on knowledge of God's word. और ये परमेश्वर की वचन का ज्ञान है. That takes time. इसमें समझने में समय लगता That's है. I told Pune Church yesterday. इसलिए कल पुणे की कलीसिया में. When I was giving the message. जब मैं संदेश दे रहा था. Don't speak against your pastor. पास्टर की विरोध मत बोलिए. Who is called for full time. जो पूरे समय की सेविकाई के लिए बुलाया गया है. Because you have not called him. क्योंकि आपने उसे नहीं बुलाया है. Though you may see weaknesses. हो सकता है कि आप पास्टर में कोई कमजोरी देखें. Maybe you're better than him. हो सकता है आप पास्टर से अच्छे हों. But you would have never called him. पर आपने उसे कभी नहीं बुलाया होगा, चुना नहीं होगा. हाँ, क्योंकि तुम उसका क्वालिटी देख के नहीं बुलाएगा. But God is not that way. पर परमेश्वर इस तरह से नहीं है. He calls the foolish of the world. परमेश्वर दुनिया के मूर्ख लोगों को बुलाता है. And makes them to stand before the wise. और बुद्धिमान लोगों के सामने उन्हें खड़ा करता है. Amen. He doesn't call the qualified. और परमेश्वर गुणवंत लोगों को नहीं बुलाता. You may call the qualified. आप गुणवंत लोगों को चुनेंगे. Amen. Amen. He calls the weak and qualifies them. पर परमेश्वर कमजोर निर्बुद्ध लोगों को बुलाकर उन्हें गुणवंत करता है. So God is not going to hear that kind of words from your mouth. इसलिए परमेश्वर आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहेगा. Did you call? परमेश्वर कहेगा क्या तुमने पास्टर को चुना है? See, what I want to tell you is this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. Some people may say, oh, pastor is criticizing or pastor is saying this. I'm not criticizing. You see, if someone speaks to you, which is from the influence of the devil, you need to put it right. यदि कोई आपको कोई ऐसी बात बता रहा है जो शैतान का प्रभाव ला रहा है तो जरूरी है कि मैं उसे सुधारूं. फिर आप नहीं कह सकते कि पास्टर निंदा कर रहा है, बुराई Amen. कर रहा है. So you have to put it right. आपको उसे सुधारना होगा. So I have to share the right word. इसलिए मुझे आपको सही वचन बताना See, है. Where is the problem? परेशानी कहाँ पर है? If someone tells you I'm not growing. मान लो यदि कोई आपसे कहता है कि मैं बढ़ नहीं रहा In the church. कलीसिया में. And without if you don't know the word aur yadi aapko vachan nahi pata you say yes man I am also not growing to fir aap kahenge ki ha main bhi kalisya mein nahi badh raha hu see the word has no problem vachan mein to koi pareshani nahi hai the messenger has no problem jo sandesh de rahe hai usme koi problem nahi hai yadi parmeshwar ne us pastor ko bulaya where is the problem to fir pareshani kahan hai the problem is in us pareshani hum mein hai you know jesus spoke about the parable aur yeshu ne wo drishtant diya about the four kinds of soil जहाँ पे चार तरह की मिट्टी है Amen. Amen. Where was the problem? परेशानी कहाँ पर थी? Not in the word. बीच में नहीं. In the ones who were hearers. पर जो सुन रहे थे उनको लेकर परेशानी Amen. थी. Amen. Don't forget this. ये बात मत भूलिए. At the spur of the moment, when you leave the word, suddenly you'll be influenced by the false people are telling you. जब अचानक से आप वचन छोड़ देते हैं तो फिर आप उन लोगों के प्रभाव में आ जाएंगे जो आपको गलत बातें बोल रहे हैं. Amen. Amen. I will teach you that. मैं आपको ये सिखाऊंगा. I taught this. और ये मैंने पहले But भी सिखाया है. But at the spur of the moment, when the devil speaks through someone, you know, you are captured by the lie. Before you could even introduce the truth. पर शैतान जब किसी के द्वारा बात करता है तो अचानक से आप उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनकी झूठ की बातें बोलते हैं और सच्चाई नहीं बोलते हैं. Amen. Amen. Suppose कुछ negative emotions है तुम्हारे में. नहीं नहीं बराबर बोलता है यार कुछ नहीं मिलता यार क्या. See, suddenly, because of the you're walking by feelings, you bring out that feelings through words. और क्योंकि आप भावनाओं से चलते हैं तो उनकी बातों में बहक जाते हैं और अपनी भावनाओं के सहारे आप वही शब्द निकालते हैं. We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं. Though someone hurts you, भले ही आपको कोई नाराज कर रहा हो, yet you walk by faith. पर फिर भी आप विश्वास से चलते हैं. Amen. Amen. See, if you walk by feelings, then out will come the negative words. यदि आप भावनाओं से ही चलेंगे तो आपके मुंह से नकारती बातें निकलेंगी. And you'll reject that person outright. और फिर आप उस इंसान को धिक्कारेंगे. You know, I gave a message. और मैंने एक संदेश I put a message on the Facebook. मैंने वही संदेश Facebook पर डाला है. Everyone has something good in them. कि हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छी बात है. सब में है ही. अगर तुमने उसको इनकार कर दिया,
यू थ्रो द बाथटब विद द बेबी। तो यदि आप उस इंसान को इनकार कर देते हैं तो उसमें जो अच्छी बातें हैं आप उसे भी ठुकरा देते हैं। सी हु नोज गॉड मे स्पीक थ्रू दैट पर्सन। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। आमेन। दैट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। और उसमें तो नम्रता की जरूरत है। गॉड to make you humble, he'll speak to that same person whom you rejected. और आपको नम्र करने के लिए परमेश्वर उसी इंसान से बात करेगा जिसे आपने ठुकराया है। And since you rejected him, you rejected the word, you lost it. और क्योंकि आपने उस इंसान को ठुकराया, प्रभु के वचन को ठुकराया, तो आप बहुत सारी बातें खो देते हैं। And you're waiting for the answers, but the Lord had given the answer through someone whom you did not accept. और फिर अपनी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए आप रुकते हैं, पर परमेश्वर ने उस जवाब को उस व्यक्ति के द्वारा पहले से ही दे दिया है जिसे आपने नहीं स्वीकारा। Amen. And you're crying out to the Lord, मेरे को आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। और फिर आप प्रभु के आगे रोते हैं कि प्रभु मुझे जवाब नहीं मिला है। प्रभु बोलेगा नम्र हो। प्रभु नम्र का क्या सवाल है प्रभु? प्रभु क्यों बोल रहा है नम्र हो? क्योंकि वो जानता हमारा हृदय, वो ऐसा ही नहीं बोलेगा। Amen. Amen. So keep this all in your mind. इसलिए सभी बातें suddenly don't be driven by lies or by the influence of the devil. अचानक से शैतान के झूठ या भावनाओं में बहकर मत चले जाइए। Now today my message is. और आज का जो मेरा संदेश है। You know, God was the one who intervened in our lives and changed our lives. और परमेश्वरी ने हमारे जीवन में दखलंदाजी करके हमारे जीवन को बदल दिया। The Bible's best, one of the best words are but God. और बाइबल के सबसे उत्तम शब्द हैं पर परमेश्वर। Not but me. पर ऐसा नहीं लिखा है पर मैं। पर वो नहीं but God. पर परमेश्वर। Amen. What was not possible for me or anyone, God did it. जो मेरे लिए किसी के लिए मुमकिन नहीं था वो परमेश्वर ने किया। Salvation, God did it. उद्धार परमेश्वर ने किया। Amen. Amen. When we are going wrong, walking in the kingdom of the devil, God did it. जब हम गलत मार्ग में थे, शैतान के राज्य में थे, परमेश्वर ने हमें निकाला। When it was impossible for us to be saved, God did it. जब हमारे लिए बचना नामुमकिन था तब परमेश्वर ने ये कर दिखाया। When Satan was taking to hell, God intervened. जब शैतान हमें नर्क में घसीट कर लेकर जा रहा था तब परमेश्वर बीच में आकर हमें बचाया। When we didn't even know about it. जब हमें उसके बारे में पता भी नहीं था। We didn't know the truth. जब हम सच्चाई जानना भी नहीं चाहते थे। Who revealed it? किसे उसने प्रकट किया? So, but God. पर परमेश्वर ने प्रकट किया। This is a most beautiful word. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द हैं। पर परमेश्वर। Amen. If it was not God, यदि परमेश्वर नहीं होते, we were on our way to hell. तो फिर अब भी हम नरक के मार्ग पर होते। Amen. Amen. But God did it. पर परमेश्वर ने ये कर दिखाया। Throughout the scripture we see but God. और पूरे वचन में हम देखते हैं पर परमेश्वर। But we never realized the importance of this. पर ये जो शब्द है इसके मायने को हमने नहीं समझा है। The words but God. ये जो शब्द है पर परमेश्वर। But Christ. पर मसीह। But when. पर कब। When we were saved, then ऐसा। जब हमारा उद्धार हुआ तब। Something was lost, now it's found. तब कुछ खो गया था अब मिल चुका है। Amen. Amen. Was and is. पहले ऐसे था और was अब ऐसा and है। Now. पहले ऐसे था अब ऐसा है। Then and now. तब ऐसे था अब ऐसा है। This all speaks about God intervening in our lives. ये सभी बातें हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दखल कर Amen. रहा है। Amen. We were dead, now we are alive. हम मरे हुए थे पर अब हम जिंदा हैं। Because of God. परमेश्वर के कारण। Amen. Amen. A person was blind. Now you can see. एक व्यक्ति जो अंधा था वो देख सकता है। Amen. Amen. There was no way, but God made a way. कोई मार्ग ही नहीं था पर परमेश्वर ने वो मार्ग तैयार किया। Apostle Paul was going out to kill people. प्रेरित पौलुस लोगों को मारने जा रहा था। But God intervened. पर परमेश्वर उसके रास्ते के आड़े आए। Amen. Amen. Look at all this. और इन सभी बातों को देखिए। Abraham was in the world. अब्राहम इस जगत में था। But God called him. पर परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया। To bless us. ताकि हमें आशीर्वादित कर सके। Chosen. परमेश्वर ने उसे चुना। From the sea of the world. इस दुनिया के लोगों में से चुना। From the sea of humanity. और इंसान का जो बड़ा समुद्र है उसमें से प्रभु ने चुना। Worshipping the devil. जो शैतान की उपासना कर रहे थे। God chose and called him. परमेश्वर ने उस समुद्र के लोगों से अब्राहम को बुलाया। He was not waiting. और वो वहाँ पर नहीं रुका था। He was not crying. वो नहीं रो रहा था। He was not good. वो अच्छा नहीं था। No. नहीं। He was an idol worshipper. पर वो भी मूर्ति पूजक था। Amen. Amen. He was in the world, वो दुनिया में in था the sea of humanity. वो पाप के समुद्र में डूब रहा था। God chose him. पर परमेश्वर ने उसे बाहर Not निकाला। Because it was good. इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा No. था। It is grace. ये परमेश्वर की कृपा है। I will make myself known through him and the seed that comes through him. और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम और उसके बीज के द्वारा खुद को प्रकट करूंगा। I'll teach you about that, your Abraham seed. और उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम अब्राहम का बीज हैं। You possess the world. आपके पास वो वचन है। you possess the world. आप इस जगत पे राज करें, पूरा जगत आपके हाथों में Your है। hair of God
and co-heirs with Christ. आप परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं. Amen. Amen. Co-heirs, equal with Christ. आप मसीह के साथ संगी वारिस हैं, एक समान हैं. Whatever is his is yours. जो भी मसीह का है आज आपका है. Amen. Amen. Unless you know this. जब तक आप ये नहीं जानेंगे. And believe it. इस पर विश्वास न करेंगे, उसके अनुसार न जिएंगे. It doesn't become yours. तब तक ये बातें आपकी न होंगी. Amen. So there are so many blessings already there. इसलिए बहुत सारे आशीर्वाद पहले से ही हमारे लिए हैं. We have yet not known it. पर अब तक हमने उन्हें जाना नहीं है. Let's go to this word. आइए हम आगे बढ़ें. So the word but in scripture. तो वचन में जहाँ पे भी है पर परमेश्वर. Always gives us the message of his grace. वो हमेशा बताता है कि ये प्रभु की कृपा है. We had nothing to do. We couldn't do. इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर पाते. But he did it. पर परमेश्वर ने कर दिखाया. Not based on my performance or merit. मेरे कामों या मेरे गुणों को देखकर नहीं. He just intervened in our life. पर यूं ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में दखल की. Amen. He sent Jesus. परमेश्वर ने यीशु को भेजा. Did we ask? क्या हमने मांगा? Did anyone pray? क्या किसी ने प्रार्थना की? Did anyone know about it? क्या किसी ने इसके बारे में जाना? How salvation comes? कि उद्धार कैसे आएगा? We knew nothing. हमें तो कुछ नहीं पता था. God sent him. पर परमेश्वर ने यीशु को भेजा. Amen. Amen. Look at this. So the word but God means gracious and compassionate God who intervened in my life. और ये जो वचन है पर परमेश्वर, इसका मतलब है कि जो दयालु और कृपालु परमेश्वर है उसने मेरे जीवन में आकर कार्य किया. Nothing. मैंने तो कुछ नहीं किया. Amen. So there's no pride. इसलिए घमंड की बात ही नहीं है. Not because I was good, I was chosen. इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा था इसलिए मैं चुना गया. I was clever, I was called. मैं बहुत ही होशियार था इसलिए मैं बुलाया गया. नहीं. But God. पर परमेश्वर ने. When I was in the world. जब मैं दुनिया में था. I was in sin. मैं पाप में डूब रहा था. I didn't have boldness to speak. मेरे पास इतना धाड़स नहीं था कि मैं बोलूं. I couldn't face the crowd. मैं भीड़ के सामने रुक नहीं पाता था. I did not study much. मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है. You know, the people of the world would have taken the best cream, best ones. और दुनिया के लोग तो सबसे उत्तम लोगों को, होशियार लोगों को चुनते. I didn't even see the college. और मैंने तो कॉलेज भी नहीं देखा. Who would choose me? कौन मुझे चुनता? No one. कोई नहीं. But God did. पर परमेश्वर ने चुना. Amen. Amen. I always say, Lord, I know I don't deserve. It's your grace. मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु मैं इन बातों का लायक नहीं हूँ पर प्रभु ये आपकी कृपा है. Amen. Amen. It's so wonderful. देखिए प्रभु कितना अच्छा है. So this simple term really captures the nature, the character, the attribute of God. और इसलिए ये जो सादे शब्द है पर परमेश्वर, वो सचमुच परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की भलाई को बताता है. He redeems, he resurrects and makes all things new. परमेश्वर ही छुटकारा देता है, वही लोगों को जिंदा करता है और सब कुछ नया कर देता है. All seems to be lost. और सब कुछ खोया हुआ दिखता है. But God, पर परमेश्वर आ गया. Amen. Keep this in your mind. ये बात हमेशा मन में रखिए. Nothing is working. जब आपको लगता है कि कोई बात काम नहीं कर रही है, मैं सब कुछ खो बैठा हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता. But God will do it. पर परमेश्वर मेरे लिए कर दिखाएगा. Amen. That will cause you to be resurrected. और यही बात आपको ताकत देगी कि आप फिर से जी उठें. When everything seemed to be a failure, when Jesus died, the apostles all ran away and hid themselves, thinking everything is over. But God raised him from the dead. जब यीशु मर गए, तब चेलों को लगा कि हम हार चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है. तब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया. When the devil thought it's over. और शैतान को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है. मैंने उसे कब्जे में रख दिया है. Take his soul and torment him in hell. अब मैं उसके प्राणों को लेकर नर्क में उसे सताऊंगा. Amen. Amen. You know, I told you that story. What happened? और वो कहानी मैंने आपको बताई है कि क्या हुआ. In the 3 days. उन 3 दिनों में क्या हुआ. Many don't know what happened. बहुत से लोग नहीं जानते हैं. How is Jesus stripped him off? कि कैसे प्रभु यीशु ने शैतान के सारे अधिकार को निकाल दिया. All the gemstones. और जो भी अच्छे अच्छे रत्न थे. All the keys. जो भी चाबियां थी. Of death. मृत्यु की. And hell took it off from मृत्यु की, नर्क की, राजकरनी की जो भी चाबियां थी यीशु ने शैतान से छीन ली. All the gemstones that our father had given him, Jesus took it off. और जो भी पिता ने रत्न शैतान को दिए थे यीशु ने वो सभी रत्न निकाल दिए. Every demon saw it. हर दुरात्मा ने ये बात देखी. Amen. Amen. Don't think demons don't know. They know it. ऐसा ना सोचिए कि दुरात्माओं को नहीं पता, उन्हें पता है कि शैतान हारा हुआ है. They know who is Jesus. वो जानते हैं कि यीशु कौन है. They saw Jesus. उन्होंने यीशु को देखा है. Stripping off their leader. उन्होंने देखा कि यीशु ने कैसे शैतान की सभी बातों को छीन लिया है, उसे मारा है. Amen. Removed everything he had. और जो भी उसके पास था उससे सब कुछ छीन लिया है. They were so proud of their leader. और अपने अगुए को देखकर वो बहुत ही मन में अहंकार रख रहे थे. When they thought that he is captured. जब उन्हें लगा कि यीशु अब उनके कब्जे में है. Even Satan thought that. शैतान को भी He called all the demons. उसने सभी दुरात्माओं को बुलाया. To show them what
he is who he is. उसे उन्हें दिखाने के लिए कि वो कौन है और वो क्या कुछ कर सकता है. That was his foolishness, but God's wisdom. और वो शैतान की मूर्खता थी पर परमेश्वर की बुद्धि थी. When Jesus appeared. यीशु फिर आए. Amen. Amen. They all terrified. और वो बहुत ही डर गए. Light shone from him. और प्रभु यीशु से प्रकाश चमका. Corrupted their images. और उनके स्वरूप को बिगाड़ दिया. That's why they have all this kind of what do you call bad images. और इसलिए आज जो दुरात्माएं के चेहरे हैं उनका रूप है बहुत ही बिगड़ा हुआ है. Burnt by fire. और वो अग्नि से परमेश्वर की अग्नि से भस्म किए हुए जले हुए हैं. And I told you the mystery. और मैंने वो रहस्य आपको बताया. He has chains. और अब वो सलाखों में बंधा हुआ है. His hands are chained. उनके उसके हाथ बंधे हुए हैं. He can see it. अब वो देख सकता है कि वो बंधा हुआ है. Amen. Amen. He has fear. उसके मन में बहुत गहरा डर है. उसके मन में बहुत ज्यादा डर है. This will never leave him. क्योंकि ये जो सलाखें हैं कभी खुलेंगी नहीं. He knows one day. वो जानता है एक दिन. He'll be tied. उसे बांधा जाएगा. Amen. Amen. You don't know who you are. आप नहीं जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं. Once you know, you'll rise up. एक बार जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उठेंगे. The devil may hide the shackles. और शैतान अपनी सलाखों को आपसे छिपाएगा. And you must say, I know it. पर आपको कहना चाहिए कि मुझे पता है तू बंधा हुआ है. Amen. You are my doormat. कि तू मेरे पैरों के नीचे का पोछा है. मैं तेरा पोछा नहीं हूँ. मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ. मैं प्रकाश की सेवा करता हूँ. Declaration of these words pleases our Father. जब आप ऐसी बातों का ऐलान करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं. Amen. See, you must know the protocol. Of heaven, you must know how our Father is pleased in what you say. आपको जानना चाहिए कि स्वर्ग के कार्य क्या है और कौन सी बातें ऐसी हैं जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है. Even Apostle Paul, हम जानते हैं कि in Galatians 1:15, गलतियों की किताब 1:15 में, in his letter he writes, अपने पत्र में वो लिखता है, he says, I was a murderer. वो कहता है कि मैं हत्यारा था. Of Christians, मैं मसीहों को मारता था. A man on a mission, मैं ऐसा व्यक्ति था जो इसी मकसद पर चला था. Warrantly wipe off. Those who followed Jesus. ताकि जो भी यीशु के पीछे हो लेते थे मैं उनका उन्हें बर्बाद कर दूं. Let me read it for you. मैं आपके लिए वो वचन Galatians 1:15. गलतियों की किताब 1:15. But when, see, he who had set me apart. पर वो कहते हैं पर जब उसने जिसने मुझे छुटकारा दिया अलग किया. Set me apart. पर परमेश्वर ने मुझे अलग किया. See this. Who set him apart? किसने पौलुस को अलग किया? God. परमेश्वर ने. Amen. Amen. See, think of himself. और उसने खुद के बारे में ये बातें नहीं सोची. He never thought he would be used so much mightily. उसने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर इतना महान रीति से मेरा इस्तेमाल करेगा. पर परमेश्वर ने कर दिखाया. जब परमेश्वर ने मुझे अलग किया. Before I was born. मेरे जन्म से पहले. Who called me? जिसने मुझे बुलाया. By grace. कृपा से बुलाया. This word grace. और ये जो शब्द है कृपा. This grace requires faith. और ये कृपा को स्वीकारने के लिए विश्वास works. की जरूरत है कामों की नहीं. Amen. Amen. Faith is not your doing, it is responding to grace. विश्वास आपका काम करना नहीं है. विश्वास का मतलब है प्रभु की कृपा को स्वीकारना. Amen. Don't Amen. Make faith very, very hard and difficult and impossible. और विश्वास को खुद के लिए नामुमकिन या कोई संघर्ष मत बनाइए. It's just your response. विश्वास का मतलब है कि आप केवल प्रतिसाद दे रहे हैं. When someone is giving, जब आपको कोई gift, कुछ देता है एक तोहफा देता your है response is receiving. तो आप केवल इतना ही करते हैं कि आप उस तोहफे को स्वीकारते हैं. Amen. Amen. If someone is not giving, why you will receive? यदि आपको कोई देगा ही नहीं तो आप क्यों स्वीकारेंगे? Someone puts a price tag, you will not accept it. यदि कोई तोहफे में आपको प्राइस बताए उसका उसकी कीमत क्या है तो आप उसे नहीं it's स्वीकारेंगे. Not your doing, it's not a worthiness. आपका काम करना आपकी लायक ही मायने नहीं रखती है. It's the goodness of the giver. ये देने वाले की भलाई है. That he made a choice to give you freely. जिसने चुना है कि आपको मुफ्त में दे. Amen. Amen. He didn't see you and give. और परमेश्वर ने आपको देखकर नहीं दिया है. You know, the Lord teaches us to become good so that when he sees good in us, he gives. और व्यवस्था हमें सिखाता है कि हम अच्छे बने ताकि जब परमेश्वर हमारी अच्छाई को देखेगा तो प्रभु हमें देगा. That's the way people preach. और उसी रीति से लोग भी प्रचार करते हैं. People keep on doing good things. और इसी लिए लोग अच्छे काम करते हैं भलाई के काम करते हैं. God sees good things in me, he blesses और उन्हें लगता है कि जब परमेश्वर मेरे अंदर अच्छाई देखेगा भलाई देखेगा तो मुझे आशीर्वादित करेगा. No, पर ऐसा नहीं you receive because of his grace. आपको परमेश्वर की कृपा से मिला And you है. Put your faith in grace. और आप अपना विश्वास उस कृपा में डालते Not हैं. In yourself. अपने कामों में नहीं. Yourself means in your works. और अपने आप में मतलब अपने कामों पर आप भरोसा Amen. रखते हैं. Faith is the most powerful. पर विश्वास तो बहुत सामर्थ्यशाली है. But the most easiest because of grace. बहुत ही आसान है विश्वास रखना परमेश्वर की कृपा के कारण. Law is the most difficult. पर व्यवस्था का पालन करना बहुत मुश्किल है. Because it makes you due to receive. क्योंकि जहाँ पे व्यवस्था आती है तब पाने के लिए आपको काम करना पड़ता Amen. है. Amen. Hello. Okay. So let's read this. तो आइए हम ये पढ़ें. He called me by grace. और परमेश्वर ने मुझे कृपा से बुलाया. Our calling is by grace. हमारी बुलाहट कृपा से है. Amen. Amen.
So there is no pride in us. इसलिए इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। We are superior someone. No. हम नहीं कह सकते कि मैं दूसरे से बढ़कर हूँ। Call me by grace. Was pleased to reveal his son. और यहाँ पे लिखा है कि अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बुलाया क्योंकि जो बहुत ही प्रसन्न था ताकि अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करे. See, God is so pleased to reveal his son. परमेश्वर बहुत ही खुश होता है जब वो अपने पुत्र को हम पर प्रकट करता है. And through us. हमारे अंदर और हमारे द्वारा. God's main aim is to reveal his son to the world. परमेश्वर का मुख्य मकसद यही है कि पूरे जगत पर अपने पुत्र को प्रकट करे. Now, today we cannot bring Jesus. और आज हम यीशु को नहीं ला सकते हैं. And show the people. और लोगों को नहीं बता सकते कि ये यीशु हैं. At least that time they could do it when Jesus was on this earth. उस समय वो लोग कर पाते थे जब यीशु उस धरती पर थे. But today, how can Jesus be seen through us? पर आज कैसे हमारे द्वारा यीशु दिख सकता है? When we live the nature of Christ. जब हम मसीह के स्वभाव के हिसाब से जिएंगे. In our ways, in our talking. हमारे तौर तरीकों में, हमारी बातचीत में, हमारे जीने के ढंग में. They'll see Christ. जब हम वचन के अनुसार जिएंगे तो दुनिया के लोग मसीह हम में देखेंगे. आप लोग अनबिलीवर को बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो तुम जीसस बता रहे क्या? यू आर द सॉल्यूशन. आप उपाय हैं. यू नॉट द प्रॉब्लम. आप परेशानी नहीं हैं. मेनी पीपल डोंट लाइक इट. बहुत से लोगों को ये बात नहीं पसंद है. ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस मेनी टाइम्स आई एम टेलिंग पीपल अरे यू डोंट हैव टू फियर. जब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो मैंने बहुत से लोगों को कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है. सम पीपल डोंट लाइक दैट. लोगों को ये बात नहीं पसंद है. बट वी मैनिफेस्ट क्राइस्ट. पर हम मसीह को प्रकट करते हैं. ही डजंट फियर वी डोंट फियर. मसीह नहीं डरता तो हम भी नहीं डरेंगे. We have his life. हमारे अंदर उसका जीवन है. Amen. Amen. We are manifesting his life. हम मसीह के जीवन को प्रकट कर रहे हैं. Not our own fallen life. हम खुद के पाप में पतित जीवन को प्रकट नहीं कर रहे हैं. We are manifesting the new life. हम मसीह के नए जीवन को लोगों को दिखा रहे हैं. People may not like it. लोगों को पसंद नहीं आएगा. They didn't like Jesus. लोग यीशु को भी पसंद नहीं करते थे. They didn't like what he spoke. लोग यीशु की बातों को पसंद नहीं करते थे. No one will like heaven because they don't know heaven way and heaven culture. और कोई भी स्वर्ग को नहीं पसंद करेगा क्योंकि वो स्वर्ग और स्वर्ग की परंपराओं को नहीं जानते हैं. It's totally different. ये सभी बातें बहुत अलग हैं. Amen. Amen. You know, don't be offended, but this is what Holy Spirit said. God does crazy things. और नाराज मत होइए, पर यही पवित्र आत्मा ने बोला है कि परमेश्वर ऐसी वादे करता है जो लोगों को बावला कर देती है. Amen. Amen. Yeah, he does crazy things. परमेश्वर ऐसे अलग अलग बातें करता है जो लोगों को बावला कर you देती read है. In the Bible. आप बाइबल में पढ़िए. Because the natural mind cannot accept this. क्योंकि हमारा ये नैसर्गिक मन, हमारी बुद्धि इन बातों को नहीं स्वीकारेगी. Heaven life. Okay. ये स्वर्गीय जीवन है. So, he was pleased. See, God is pleased to reveal his son in you through you. तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब वो अपने पुत्र को आपके अंदर और आपके द्वारा प्रस्तुत करता है. The Lord has come into your heart. परमेश्वर अब आपके अंदर रहने आया है. So the Lord is pleased with you. इसलिए प्रभु आपसे बहुत खुश है. Our Father is pleased with you. हमारा पिता आपसे बहुत खुश है. I get that message. God is not angry at you. और ये संदेश मैंने दिया है कि परमेश्वर अब आपसे क्रोधित नहीं है. But God is pleased with you. पर परमेश्वर आपको देखकर बहुत खुश है. Don't hear messages that make you feel that God is not happy with you. ऐसे संदेश मत सुनिए कि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है. Hello. You have believed in Jesus. आपने यीशु पर विश्वास किया है. Amen. It's faith that pleases God. और यही विश्वास है जो परमेश्वर को खुश करता है. It's not your doing or not doing. आपका करना या ना करना परमेश्वर को खुश नहीं करता. As long as you keep believing. जब तक आप विश्वास करते जाएंगे. Even when you fall. चाहे फिर आप गिरे भी. You rise up by faith. फिर भी आप विश्वास से उठेंगे. That pleases God. और यही बात प्रभु को खुश करती है. That shows you don't want to do it. यही बात दिखाती है कि आपको ये सब नहीं करना है. I want to serve God. मुझे प्रभु की सेवा करनी है. I don't want to serve the devil. मुझे शैतान की सेवा नहीं करनी है. So faith is always proclaiming. तो विश्वास हमेशा ऐलान करना है कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ. मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ. मेरी कमजोरियों में मैं गिरता हूँ, पर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर में विश्वास करता हूँ. आमीन. अ फेथ पर्सन विल नेवर क्विट. एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा. यू नो पीटर आस्क्ड दिस क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन We can forgive someone. और पत्रस ने ये सवाल यीशु से पूछा कि मैं अपने भाई को एक ही पाप के लिए कितनी बार माफ करूं? 70 times 7. How much that comes to? 490. 490 बार. 490 times in a day. 490 बार एक दिन में एक ही गलती. और हम लोग ने एक गलत भी किया तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा, नरक में भेज देगा. अरे इधर प्रभु बोलता है 490 टाइम भी गलत किया तो उसको क्षमा करो, और प्रभु नहीं क्षमा करेगा? हेलो, Look at the messages. और देखिए आज की संदेश. हाँ, दो बार पाप किया, तीन बार पाप, अभी तो नरक. अरे प्रभु बोलता है पाप किया तो तुम क्षमा करो 490 टाइम्स. और प्रभु इतना छोटा है हमसे भी कि वो क्षमा नहीं कर सकता.
490 टाइम्स हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इफ वी कैन फॉरगिव, गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू फॉरगिव 490 टाइम्स, विल ही फॉरगिव लेस? यदि प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम किसी को 490 बार क्षमा करें, तो क्या फिर प्रभु नहीं करेगा? That's why you're feeling condemned. इसलिए आपको दंडित महसूस होता है। Hello? And you give up. और फिर आप हार मान लेते हैं। This is not walking by faith. ये तो विश्वास से चलना नहीं हुआ। Faith makes you rise up. विश्वास हमेशा आपको उठाता है। Faith gives God, you know, place to make it to rise up. और जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे प्रभु को जगह मिलती है ताकि वो आपको फिर से उठाए। God always wants to see faith. इसलिए परमेश्वर हमेशा आप में विश्वास देखना चाहते हैं। विश्वास है, इसको खड़ा रखेगा। गिरा, खड़ा रहो, गिरा, खड़ा रहो। Amen. Amen. If you don't have faith, He cannot do anything for you. यदि आपके मन में विश्वास नहीं है, तो फिर प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। But we intend to works. पर आप काम करते हैं। To be forgiven. ताकि प्रभु आपको क्षमा करे। You know, I gave that message. You already forgiven. और वो संदेश मैंने दे रखा है कि आप पहले से क्षमा किए गए हैं। Amen. Amen. And that is why we forgive others. और इसीलिए हम दूसरों को क्षमा करते हैं। Oh, that's a different message I gave already. अलग संदेश है जो मैंने पहले से दिया है। So, in Galatians 1:16a, Paul says. इसलिए गलतियों की किताब 1:16 में पॉलस कहता है. This what he says. और ये पॉलस कह रहा है. And we know everything was changed for Paul. और हम जानते हैं यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर के लिए बदल चुका है. प्रभु ने बदल दिया पॉल को. कौन बदला? प्रभु ने बदल दिया. वो गलत रास्ते पे जा रहा था, अंधकार की ओर जा रहा था, मर्डर करने के लिए जा रहा था. किसने उसको चेंज किया? बट गॉड. पर परमेश्वर ने उसे बदला. Amen. Amen. क्या हमने किया? नहीं, हमने कुछ नहीं किया. हम लोग गलत ही जा रहे थे, मैं प्रभु बीच में आया और हमारा जीवन को बदल दिया है. Amen. हेलो, गॉड्स वर्क इज द बेस्ट. परमेश्वर का कार्य सबसे अच्छा, सबसे उत्तम. So don't worry. इसलिए चिंता न कीजिए. God has started this work. परमेश्वर ने अच्छे काम की शुरुआत की है. And he will finish it. तो वही उसे समाप्त करेगा. Doesn't the Bible say that? क्या बाइबल ये नहीं कहती है? In Philippians. फिलिपियों की किताब में. He who started a good work in you. कि जिसने ये अच्छे काम की शुरुआत आप में की है. Who started? किसने ये अच्छे But काम की शुरुआत की है? But God started. परमेश्वर ने शुरू किया है. Who will finish? और कौन इसे समाप्त God करेगा? God will finish. परमेश्वर उसे समाप्त करेगा. Amen. This is faith living. और यही तो विश्वास का जीना है. This is faith living. ये विश्वास से जीना Knowing है. And living. जानना और विश्वास से जीना. That's all. बस इतना ही. You are trying to do it. आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. When they read the Bible, they try to do it. जब आप वो बाइबल पढ़ते हैं तो आप करने की कोशिश करते हैं. That's law. ये तो व्यवस्था हुई. We are not under law today. आज हम व्यवस्था के नीचे नहीं under हैं, grace. पर हम कृपा में हैं. When you know you are under grace, जब आप जानते हैं कि आप कृपा में हैं, sin loses its power. तो फिर पाप की शक्ति टूट जाती है. Amen. Amen. Sin cannot dominate you because you know you are under grace. फिर पाप आप पर राज नहीं कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि अब आप कृपा में हैं. Amen. Amen. When you don't know this, जब आप ये नहीं जानते हैं, sin which the personality of Satan will overpower you. पाप जो शैतान का व्यक्तित्व है वही आप पर राज करेगा. Okay, let's go a little further. Now we have another word here. Another one of the best words. और एक सबसे अच्छा शब्द है. In order that. इसलिए. See these both. Go side by side. और ये दोनों ही शब्द एक साथ चलते हैं. But God saved you. पर परमेश्वर ने कहा. In order that. परमेश्वर ने आपका उद्धार किया ताकि या इसलिए. Amen. Amen. उसने तुमको चुना. सिर्फ चुन के उधर ही रख दिया नहीं. उसका कुछ purpose है तुम्हारे लिए. Plan है कुछ है. Amen. Amen. You know, many have not entered into the plan. They have accepted the first one, but God, but Where is God taking them? They are not there. बहुत से लोगों ने उद्धार तो स्वीकारा है पर जो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद उनके जीवन के लिए है, अब तक वहाँ पर वो नहीं गए हैं. What for you are saved? आप किस कारण के लिए उद्धार पाए हुए हैं? He has a great plan for you. परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना बना के रखी है. Amen. Amen. You know, many things are holding us. और बहुत सी बातें हमें रोक कर रख रही हैं. To enter into the blessing. ताकि हम आशीर्वादों में पैर न रख सके. Amen. Amen. Don't think God chose you to destroy you. No. ऐसे ना सोचिए कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आपको बर्बाद करे. God has removed you from the devil's kingdom, not to put you back there. परमेश्वर ने आपको शैतान के राज्य से बाहर इसलिए नहीं निकाला है ताकि फिर से वहाँ पर आप He doesn't want you to be there. परमेश्वर नहीं चाहता है आप वहाँ पर रहें. He doesn't want the devil to rule you. परमेश्वर नहीं चाहता है शैतान आप पर राज करे. He doesn't want the devil to have power over you. परमेश्वर नहीं चाहता है कि शैतान अपनी सत्ता आप पर चलाए. Amen. Amen. Hello.
अभी क्या होने वाला, अरे क्या होने वाला, क्या है तुमको क्या होने वाला, उधर से जगह से निकाल दिया है, अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। Amen. He has brought you into good. परमेश्वर ने अच्छी बातों में आपको लाया है। His kingdom is all goodness. परमेश्वर के राज्य में सब भलाई है। What are you seeing? आप क्या देख रहे हैं? Are you seeing still in darkness? क्या अब भी आप ये देख रहे हैं कि मैं अंधकार में हूँ? Nothing worked for you? जहाँ पे कोई बात आपके लिए काम नहीं कर रही थी? Or in the light, but everything works for you? आप ये देखते हैं कि मैं प्रकाश में हूँ, जहाँ पे सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है? Is for you. जहाँ पे परमेश्वर आपके लिए है, not against you. आपके विरोध में नहीं है। Amen. Amen. We were enemies. हम शत्रु थे परमेश्वर के। Now we are his children. पर अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो, प्रभु ने जो शुरू किया है अभी से तुम्हारा अच्छा ही होगा, ऐसा सोचो। Amen. सैतान डालता है तुम्हारा, क्योंकि वो जेलस है, क्योंकि उसको मालूम प्रभु ने चुना है तो प्रभु का कार्य इसके द्वारा होगा, उसको अच्छा ही होगा, इसके लिए माइंड में डालता है, नहीं नहीं तुम्हारा बुरा आएगा, नहीं नहीं। Don't hear people. और लोगों की बातें मत सुनिए। If they don't know the word of God, don't hear them. यदि वो प्रभु का वचन नहीं जानते हैं तो उनकी बातें मत सुनिए। Many are surrounded with समाज and society. और बहुत से लोग समाज के भावनाओं में बह जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। And family are in the समाज. और क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले समाज के हिसाब से चलते हैं। और उन लोग सब प्रेशराइज करता है उनको, जो वचन में नहीं है वो सब। हेलो, एंड आउट ऑफ फियर ऑफ द समाज, अच्छा अच्छा मैं और समाज का डर होता है तो हम भी समझौता करते हैं। For the word. पर वचन के लिए ठहरिए। Amen. Amen. If you don't confess me before men. प्रभु कहता है कि यदि मेरी कबूलियत तुम लोगों के सामने नहीं करोगे। This is the way you confess, you testify. और इसी तरह से आप कबूली करते हैं, लोगों को गवाही देते हैं। Okay. So we know that later on Paul became a Christ follower himself. इसलिए हम जानते हैं कि आगे चलकर पौलुस मसीह के पीछे हो लेता है। How did he become a Christ follower? कैसे वो मसीह के पीछे हो लिया? But God did it. क्योंकि परमेश्वर ने किया। Amen. Amen. आज तुमको कोई पूछा तुम कैसा क्राइस्ट फॉलोअर हो गया? God did it. तो आप कहिए कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया है। Where is God? परमेश्वर कहाँ पर है? God is here. परमेश्वर यहाँ पर है। किधर है? किधर है प्रभु? हमारे में है। किधर है मंदिर? ये देख रहे हो ना? यही मंदिर है। तुम मंदिर के सामने खड़ा हो, तुम प्रभु के सामने खड़े हो। आमीन। हेलो, व्हेन पीपल स्टैंड बिफोर यू, जब लोग आपके सामने खड़े रहते हैं, दे आर स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ठहरते हैं। स्टैंडिंग बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द टेंपल ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के मंदिर के सामने ठहरते हैं। आमीन। आमीन। किधर है प्रभु? एक मिनट मैं दिखाता हूँ। अरे क्या दिखाने का, इधर है, ऊपर है। ओके, ओके, सो इन ऑर्डर, और यहाँ पे लिखा है इस कारण, मींस गॉड सेव्ड यू फॉर अ पर्पस, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपके आपका उद्धार किया एक मकसद के लिए। इंटरवेंड इन योर लाइफ फॉर अ गुड पर्पस, परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए दखल किए ताकि अच्छी बातें हों। गॉड सेड आई हैव प्लान्स फॉर यू, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, प्रॉस्पर यू, ताकि तुम उन्नति करो, टू ब्लेस यू, ताकि तुम्हें आशीर्वादित मैं कर पाऊं। और ये सभी बातें आपके लिए हैं। He's speaking of his children, क्योंकि आप उसके संतान हैं। He's speaking of you, परमेश्वर आपके बारे में बोल रहा है। Where are you? आप कहां पर हैं? Amen. Amen. It's not struggling at all, it's knowing. और ये संघर्ष करना नहीं है, बस इतना है कि आपको प्रभु का वचन जानना है। So first apostle Paul says, but God. इसलिए सबसे पहले प्रेरित पौलुस कहता है कि परंतु परमेश्वर। Then he says, in order that. और फिर वो कहता है इस कारण। But God saved me in order that I might preach him. परंतु परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया ताकि इस कारण मैं प्रचार कर सकूं। हाँ, मैं मुझे उद्धार किया ताकि मैं प्रभु के बारे में प्रीच करो। आमीन। तुम्हारा भी ऐसा ही है। बट गॉड इंटरवीन सो दैट, तुम देखो क्यों तुमको चुना है। हेलो, कुछ पर्पस है? सिर्फ ऐसा नहीं है, काम करता आता, ऐसा नहीं है। तुम्हारा खुद का पर्पस के लिए नहीं चुना, नहीं मैं ना कंपनी का काम करके सेवा, नहीं, कुछ तो भी पर्पस है। इवन इफ यू वर्किंग इन द कंपनी, गॉड हैज अ पर्पस। यदि आप कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी प्रभु का कोई मकसद है। आई विल कंटिन्यू दिस मैसेज, दिस इज वेरी पावरफुल, और यही संदेश मैं जारी रखूंगा अगले हफ्ते, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। ओके, दैट्स ऑल, नो वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।